वेलकम बैक नाजरीन जी। मामून साहब, अच्छा इसके अंदर सर मैं जो अर्ज कर रहा था कि इसमें जो एक्सक्लूसिविटी इन्होंने जो क्लॉजेज जिनमें निकाली हैं, एक तो एयर कंडीशन शॉपिंग मॉल के अंदर, ठीक है, प्लाजा के अंदर जी जी, किसी सेंटर के अंदर जी जी, रिटेलर हु हैज अ क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड मशीन, ठीक है, ये इस कैटेगरी में शामिल नहीं है। शॉपकीपर जो शॉपकीपर वाली ड्राफ्ट के अंदर स्मॉल शॉपकीपर में ये शामिल नहीं है, इनको इसमें से निकाल दिया गया है। जो वो तो दूसरी स्कीम आ रही है ना उनके लिए। मैं जी, सर जी, वही जी। तो बात कर रहा हूँ, कितनी स्कीमें दोगे जी जी, कितनी स्कीमें निकालोगे? ओ भाई, एक आपका फॉर्म है जी। अच्छा ये आप मुझे बताएं कि मैं एक एंटीएन होल्डर हूँ जी जी, मेरे एंटीएन के ऊपर चार बिजनेसेस आ रहे हैं, रिटर्न में देता हूं तो एक प्रॉफिट एंड लॉस की जो है मेरे पास जगह है, ठीक है, मैं हर बिजनेस की दे नहीं सकता? ये सवाल एक आम बिजनेसमैन पूछता है हमसे एज कंसल्टेंट्स जी, कि यार मैं उस ट्रेड से कमा रहा हूँ, इस ट्रेड से कमा रहा हूँ, उस ट्रेड से, उसकी अलग, ये आप किस तरह बना रहे हो? वो कंफ्यूज हो जाता है। नहीं, फिक्स टैक्स वाले भी, इनको एक रिटर्न देनी पड़ेगी, उसमें सब कुछ मेंशन करना पड़ेगा कारोबार। मैं अर्ज कर रहा हूँ, वो तो खैर स्मॉल शॉपकीपर के लिए आसान करने के लिए उन्होंने ये चीज दी है ना, ठीक है, ये ड्राफ्ट दिया कि आसान हो जाए। मैं आपको एक जनरली, मैं एक जनरल चीज आपको बता, अब जो हमारी नेक्स्ट जनरेशन बिजनेसमैन आ रही है बिजनेसेस की, वो बच्चे पहले तो थी कि जो अनपढ़ जनरेशन थी, जो इनको नहीं पढ़ा हुआ था, जो पीछे से बिजनेस को लेके चल रहे थे जी। अब ये जिस अलीम भाई बता रहे हैं, बाहर से लड़के आ रहे हैं, मेरे क्लाइंट्स बहुत से, उनकी सेकंड जनरेशन कोई LSE से पढ़ के आ रही है, कोई किंग्स कॉलेज लंदन से पढ़ के आ रही है, वो कहता है यार मुझे बताओ मैंने अपना प्रॉफिट एंड लॉस किधर देना है। मैं चार बिजनेस करता हूँ, दो करता हूँ, तीन करता हूँ, एक मेरा सर्विसेज का काम है, एक मेरी सैलरी है, या एक मेरा कुछ और है, या मैं कंपनी से, या मैं किधर किधर क्या क्या लिख रहा हूँ। एनटीएन के ऊपर जो बिजनेस मेरे मेंशनड है आज तक, ये तो आप कह नहीं सके कि यहाँ पे एक बटन बन जाए जो मेरे एनटीएन पे बिजनेस है उसको मैं क्लिक करूं तो उस बिजनेस का मैं सारी इन्फॉर्मेशन दे दूं, फिर ये दूसरा बिजनेस क्लिक करूं कर दूं, बाकी क्या कंप्यूटेशन जो है एज पर लॉ आप ही कंप्यूटेशन टेबल करते हैं। CNSE को तो एंटीन होल्डर ही बना दिया गया सर। मैं वो तो बात कुछ और है जी जी। मेरा बिजनेस वाइज डिस्ट्रीब्यूशन तो कर दो मेरी रिटर्न की जी जी, जो मैंने बिजनेस दिया हुआ है, ताकि कल को मैं उस चीज का जवाब दे हूं जी जी। झूठ बोलने का रास्ता तो मुझे FBR खुद दे रही है अपने IRS की रिटर्न के अंदर जी जी, ये मिला के सब कुछ हमें, बस दे दो रिटर्न जी जी। बहरहाल देखो ये तो अभी ड्राफ्ट है, मामून साहब आगे क्या क्या होता है अल्लाह खैर जी जी। खालिद सुमान साहब, जिस तरह मामून साहब कह रहे थे, ये अगर वो शॉपकीपर है, उसने अपनी रजिस्ट्रेशन करवा ली, तो आगे मसाइल कमिश्नर उस पर ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। आप क्या समझते हैं, जो ताजरों की और FBR की जो कमेटियां बनेंगी, नुमाइंदे बनेंगे, अगर वो उन लोगों को रजिस्टर करवाएंगे, उसके बाद मुश्किल आ सकती हैं? देखिए ये तो मैं नहीं कह रहा, हम नहीं कहते कि मुश्किल नहीं आएंगी, जाहिर है ये एक मुश्किल। देखिए असल मसला क्या है, मंशा क्या है सारी गेम की जी जी। इसकी मंशा जिसकी बुनियाद पर ट्रेडर्स की तरफ से ये एक मुतालबा भी है, देखिए हम लोगों को टैक्स नेट के अंदर लाना चाहते हैं, ठीक है ना जी। प्रॉब्लम यह है कि उनके पास फैसिलिटी नहीं है उस तरह की, कि जिस तरह एक दूसरे बिजनेस जरा बड़े बिजनेसमैन के पास एक होती है जी जी। अब पहला काम तो है कि उनको नेट के अंदर लाना, ठीक है ना जी, ठीक है। तो अभी देखें इसमें, जैसे ये प्रपोज ड्राफ्ट है, जाहिर है इसके ऊपर डिस्कशन अभी बाकी है, अभी आज क्लैरिटी आ गई है FBR की तरफ से कि जी इस पर बिजनेसमैनों के साथ जो कमेटियां बनेंगी वो अनाउंस करेंगे, उसके बाद फिर कानून के तौर पर इसको लागू किया जाएगा, इसके लिए ऑर्डिनेंस लाया जाएगा। देखिए इसमें अभी डिस्कशन बाकी हैं, लेकिन असल बात यह है कि जो मैं समझता हूँ कि जो इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसकी हम रिक्वेस्ट करेंगे इस सारे से, कि देखें हमें पहले स्टेज के ऊपर उनको नेट में लेके आना है, ठीक है ना, ताकि उनको आदत पड़े थोड़ी सी, ठीक है ना। फिर अगले स्टेज के ऊपर आप, ये बात दुरुस्त है हमारे मामून साहब की, कि देखें कई क्लासेस बन गई हैं, कई तरीके से अब चीजें हो रही हैं, अब ये तो एक डिमांड है ना बेसिकली जी जी, जो हमारे ट्रेडर्स भाइयों की तरफ से है, उसको अकोमोडेट किया जा रहा था कि उनके लिए जरा फैसिलिटेट किया जाए, उनको आदत नहीं पड़ी, हमने 15-20 सालों में ये आदत नहीं डाली, ठीक है ना। तो अब जाहिर है कोई रास्ता निकालना है कि जिसके जरिए से आए, मुश्किल इसके अंदर जरूर आएंगी, लेकिन मैं समझता हूँ कि इससे एक कम्फर्ट जरूर क्रिएट होगा, कि वो एक उनको ये होगा कि अच्छा यार आप कोई मजीद पूछेगा नहीं। दूसरी बात है देखें क्लैरिटी, ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्लैरिटी होनी चाहिए। मिसाल के तौर पर ये ए कैटेगरी के एरियाज कौन से हैं जी जी, अब ये तो डिफाइन ताजरों के साथ कमेटी में होगा ना कि कौन से कैटेगरीज के होंगे जी, हाँ जी, कौन से बी में और कौन से बी के अंदर होंगे, किसका जो है ना अपना बिजली का बिल कितना होगा। तो जाहिर है आपको एक क्लैरिटी के साथ एक पॉलिसी लेके आनी है, जिसके बाद फिर वो, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि अगर कमिश्नर नोटिस कर देगा उनको, ठीक है ना जी, ऐसी चीज नहीं होनी जिसके अंदर क्लैरिटी ना हो, अदरवाइज तो फिर FBR भी एक मुसीबत में फंस जाएगा और बिजनेस कम्युनिटी भी इन फंडों के अंदर फंस जाएगा। FBR कोई बैक एंड टच नहीं कर रहा, किसी की छापे नहीं मार रहा, तो ताजर बरादरी सुकून से इस वक्त तो सुकून है थोड़ा सा, लेकिन ये अहदाफ जो हुकूमत ने पूरे करके देने FBR ने हुकूमत को, आप समझते हैं पूरे हो जाएंगे इनसे? देखिए
वैसे तो 5.5 ट्रिलियन का जो अपना टारगेट है वो सारी दुनिया ही कह रही है कि बहुत एम्बिशियस टारगेट है, इतना आसान टारगेट नहीं है, मुश्किल टारगेट है, खास तौर पे उस वक्त के जब ऑलरेडी आपकी इकोनॉमी सुकड़ रही है। देखें ना, आपने इम्पोर्ट्स को काफ़ी स्क्वीज़ किया है। अब अगर फ़र्ज़ कर लें आप 5.5-6 बिलियन डॉलर की इम्पोर्ट्स को स्क्वीज़ किया है और अगर हमारे अंडर इन्वाइसिंग भी होती है और उसके बाद वो फिर उसके अंदर प्रॉफिट, तो उसके बाद तकरीबन 2,500-2,500 अरब रुपए का बिजनेस जो है वो इसके बाद मार्केट में नहीं है जो कि होता था। तो ज़ाहिर है उसका नतीजा है कि वो आपकी इकॉनमी तो सुकड़ी है, ठीक है ना। ऐसे हालात के अंदर अगर आप ये कहेंगे जी 5.5 ट्रिलियन टैक्स आपने उसको करना है तो ये मुश्किल होगा। लेकिन गवर्नमेंट जो मुझे समझ में आई है कि नॉन टैक्स रेवेन्यू भी इस दफ़ा गवर्नमेंट को कोई एक मुनासिब मकदार में मिलने की जो है ना वो उम्मीद नज़र आ रही है। वैसे खान साहब, आप क्योंकि चैम्बर से रिलेटेड हैं तो जो नॉन फाइलर हैं, जो लोग टैक्स नेट में नहीं है वो फायदे में है, जो टैक्स नेट में है वो फायदे। हाँ, ये अभी तो बात बिल्कुल दुरुस्त है कि जो तो बाहर है ना जी, वो फायदे में है, ठीक है ना जी। वो किस तरह पता है डबल टैक्सेशन अपने कटवा रहे हैं, विदहोल्डिंग पे कटवा रहे हैं। हाँ, देखें वो फिर भी समझता है, वो ये फिर भी समझता है, जितना आगे सख्त होता जाएगा वो ट्रैवल नहीं कर सकेगा। यस, वो एटीएल देखें, वैसे तो देखें एक बिल्कुल देखें एक बिजनेसमैन है अगर वो टैक्स नहीं पे करता तो जाहिर है वो अपनी दौलत को छुपाएगा। नहीं, ये आने वाला दौर आप जिस तरह देख रहे हैं, आप समझते हैं कोई टैक्स नेट से कोई बच सकेगा? नहीं, मुश्किल है। देखिए, और वैसे भी किसी के मुफाद में नहीं है टैक्स नेट से बचना, किसी के मुफाद में नहीं। मिसाल के तौर पर मैं आपसे कहूँ कि अगर आप अपनी दौलत को छुपाएंगे तो दौलत ऐसी चीज है जो छुपना पसंद नहीं करती। जो लोग उसको छुपा के रखते हैं दौलत उनकी अलमारियों से निकल के उन लोगों के पास चली जाती है कि जो इसको, जैसे अलीम साहब कह रहे थे अगर नोट बड़े खत्म कर दिए जाए तो इकॉनमी खुद ब खुद सही हो जाएगी। देखिए, आप छुपाएंगे दौलत को, आप डरेंगे, खौफ के साथ बिजनेस करेंगे, आप कभी ग्रो नहीं कर सकते। इसी सबसे बेहतरीन तरीका तो यही है कि आप टैक्स नेट के अंदर आएं, ठीक है, इसके चीजों को समझें। जब टैक्स नेट के अंदर आएंगे आप अपनी मनी को सही इस्तेमाल कर सकेंगे, उसको सही तरह सर्कुलेट कर सकेंगे। लेकिन अगर आप उसको छुपा के रखेंगे तो डेफिनेटली दिल में भी खौफ होगा, वो कभी भी बढ़ नहीं सकेगी। इसलिए अल्टीमेटली तो कोई भी दुनिया में अमीर नहीं हो सकता जब तक वो टैक्स नेट बनाए। अलीम साहब, आप क्या समझते जो मौजूदा फजा है जिस तरह क्रिएट हुई है, मुआशरे डूबी जा रही है, बिजनेस एक्टिविटी कम होगी, आपकी नजर में क्या रीजन अच्छा है और किस तरह ये एक्टिविटी बढ़ सकती है? एक एक आपने अभी बोला जी कि मईशत डूब रही है, मेरे ख्याल से नहीं डूब रही। ये जो स्टेप था जो इंटरेस्ट रेट्स जैकअप करने का जी, ये सारी जो जिन्होंने जो पॉलिसीज की, ये जो टैक्स रेट में सबको लाने का जी, ये चीजें आपने सूनर और लेटर करनी थी। जब अगर हमारे एक्स फाइनेंस मिनिस्टर बोलते हैं जी इकोनॉमी आईसीयू पे लगी हुई थी और हमने जो है इसको प्रॉपर डोज देनी थी, तकलीफ देनी थी, वो बिल्कुल सही कहते हैं कि हमें ज़रूरत थी बोल्ड मेजर्स लेने की। जब आपने 10 साल आपने अपना फॉरेन एक्सचेंज रेट आपने फिक्स कर दिया और आप महीने के जो है मिलियन और डॉलर जो है, कोई कोट करता है जी महीने का आप 30 मिलियन डॉलर आप सिर्फ 105 अपना जो है डॉलर रोक के बैठे हुए थे अपना करेंसी नोट, तो आप जो है खुद अपने आप को बर्बाद कर रहे थे और आप लोन ले लेके जो है एक आर्टिफिशियल लेवल पे आपने सस्टेन किया हुआ था जिसका आम को नहीं है पता, जिसका आम को नहीं पता है ना उसको। और आप खुश थे कि जी 70 रुपए पे पेट्रोल था, आपको ये नहीं पता था कि जी आप कर्जा ले लेके जो है आप रोके हुए। तो अभी राइट नाउ जिन्होंने काम किया और ये जो 164 रुपए 20 पैसे से वापस जो आज 155 पे आए, इकोनॉमी भले स्लो डाउन हुई है बट ये लॉन्ग रन के लिए अच्छा है। आज कुछ एग्जांपल्स हैं, फॉर एग्जांपल बड़े बड़े यूनिट्स हैं, फॉर एग्जांपल यूनिलीवर है जी, वो कह रहे हैं जी वन ऑफ योर बिगेस्ट इंपोर्ट जो है आपकी पाम ऑयल की है पाकिस्तान में, जो आप हर साल जो है पता चलता है जी सेकंड और थर्ड लार्जेस्ट इंपोर्ट आइटम है। आज यूनिलीवर बातें कर रहे हैं कि जी हम अपनी मैक्सिमम R&D डाल रहे हैं लोकल कोई ऑयल सीड डेवलप करने में, भले सनफ्लावर हो या वॉट एवर जो पाकिस्तान में जो भी उग रहा है। ऑलिव ऑयल की आपने देखा कि प्रोडक्शन जो है नॉर्दर्न एरियाज में बड़ी स्पीडली हो रही है। तो अगर आप इस तरीके की कोई एक कुछ निकल आता है जी जी, अगर आप जो है फॉर एग्जांपल यूनिलीवर इज सक्सेसफुल अगर एक लोकल डेवलप करने में ऑयल, तो आप ये सोचेंगे कि ये सारी चीज से एक तो इंडस्ट्री को कितना बेनिफिट मिलेगा लॉन्ग रन में जी, आपका फॉरेन करेंसी कितनी बचेगी, एंड सिमिलरली जैसे चीज पे बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट हो रही है, कहते हैं जी पाकिस्तान में कोई 14 चीज के यूनिट आ रहे हैं। लोग हंसते थे इमरान खान पे जब उसने कहा कि जी 400 मिलियन डॉलर की आप चीज इंपोर्ट करते हैं, बट ये हकीकत बात है जी जी, कि एक लग्जरी आइटम है जो आप इंपोर्ट कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट जो है पॉलिसीज दे रही है, अभी लोकल कन्फेक्शनरी पे जी उर्दू में आप हुकूमती मुआशी पॉलिसियों से टाइम लगेगा, बट
जो इसको अपॉर्चुनिटी समझ रहे जी जी, क्या आज आप इन्वेस्ट करिए और इसको यूटिलाइज कर रहे जी जी, और अगर ये चीज़ पॉलिसी अगली गवर्नमेंट सस्टेन कर गई कि जी आप लोकल प्रोडक्शन पे आप आ रहे हैं, फॉर एग्जांपल कन्फेक्शनरी है उर्दू में, यू नो न्यूट्रिशन इन्फॉर्मेशन उर्दू में उस पर प्रिंट होनी चाहिए वरना अलाउ नहीं है इम्पोर्ट होना। वो तो हमारे सुप्रीम कोर्ट ने भी आर्डर दिया था, हमारे दफ्तरी काम भी और तमाम आर्डर भी अदालती काम भी उर्दू में होने चाहिए, लेकिन अगर तोहीन-ए- अदालत की हम बात करते हैं तो सारे दारी कर रहे हैं। ओवरऑल एक पूरी इकोनॉमी में हर किसी ने अपना हिस्सा समझ के डालना है जी जी, और अगर हम करें और इंडस्ट्री अगर आगे बढ़े तो लॉन्ग रन में सिर्फ यही है कि जी देखिए हमारे यहाँ एक्सपोर्ट हार्डली कुछ है जी जी, आप बहुत छोटी एक्सपोर्ट करते हैं, बांग्लादेश जो है 30 साल में कहाँ से कहाँ चला गया, आपसे आज जो है 2.5-3 गुना एक्सपोर्ट कर रहा है। वो टैक्सेस कम थे या क्या वजूहत थी, सहूलतें ज्यादा थी क्या? सिर्फ एक ये चीज के देखे, एक तो काम होता है ना गवर्नमेंट का अच्छा करना जी जी, एक उसके अलावा एक और चीज होती है कि ये नजर आना, ये नई हुकूमत पौने 2 साल हो गए कोई नया टैक्स नहीं लगाया, इसके बावजूद भी मैं वही बात कर रहा हूँ कि अच्छा करना तो अलग बात होती है, ये नजर आना कि आप अच्छा कर रहे हैं और आप सही काम कर रहे हैं ये ज्यादा जरूरी होता है। हमारी गवर्नमेंट पहला काम तो कर रही है, दूसरे काम में फेल हो रही है, और ये शायद एक ओवरऑल जो नैरेटिव बना हुआ है हर कोई क्रिटिसाइज कर रहा है, क्योंकि आम आदमी को पॉलिसियों से नहीं है, आम आदमी को 2 वक्त की रोटी से गर्ज है। मेरे ख्याल से 2 रोटी आसानी से मिले, वो महंगाई थोड़ी सी कम होगी तो वो आम आदमी को रिलीफ मिलेगा, तो वो हुकूमत के मेरे ख्याल से अगर सिर्फ 7 से 10 बजे तक टीवी पे जो है नैरेटिव चेंज हो जाए ना, लोग अच्छी बातें पॉजिटिव करना शुरू कर दें जी जी, आधे मुल्क के मसले वहीं पे हल हो जाएंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, जो नेगेटिव दिखाया जाता है उसको मुसबत में दिखाया जाता है। मामून साहब 5,500 अरब रुपए का जो टारगेट है, चलो मान लेते हैं FBI ने 5,000 पूरा कर लिया, उसमें से 2,800-2,900 अरब तो सूद में चले जाएंगे, 2,200-2,300 अरब से उसमें से 57% सूदों को चला जाता है, तो आमदन जो 8,000 अरब रुपए है हुकूमत किस तरह उसको पूरा करे? ये स्कीमों के जरिए मुमकिन है? मैं सिर्फ मेरा सवाल जो है ये ऐसी छोटी छोटी स्कीमों से, इसके अलावा कोई प्लान है हुकूमत के पास जो उसको हुकूमत करना चाहे तो बेहतरी की तरफ कदम होगा? अलीम भाई ने मेरा ख्याल बहुत बेहतरीन तरीके से इसी सवाल को ना आपके जवाब दे दिया कि लोकल प्रोडक्शन जो थी ना वो मेन टारगेट ये था। मामू साहब मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक से बाद जवाब लेता हूँ। नाज़रीन छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिए।